अक्सर ऐसे मोमेंट पे कोई देखो आ गया क्या कर रहे हो बापजी? चिल। मैंने अगर तुम्हें धोया तो तुम में और तुम्हारे लुकों में क्या फर्क है? तुमने मेरे प्यार में मदद की है और तुम, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सॉरी। चलो चलो। बापजी, तुमने मुझ पर एहसान किया इसलिए तुम्हें हाथ लगाए बिना यहां से जा रहा हूं। अगली बार शैलू को टच किया ना, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ये सब बस एक दो कौड़ी के लैंड के लिए? शैलू को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे अपने होने वाले हस्बैंड के पास आना चाहिए ना। वैसे भी कुछ दिनों में आप सब लोग उसके लिए पराए हो जाएंगे। हद कर दिया आपने। अब मेहमानों से क्या कहेंगे? और उसे लाने के लिए गया तो भी कौन गया? वो हरी कुछ ज्यादा ही फुदकता है। उस अनजान लड़के को इतना भाव क्यों देते हो? कहीं का हीरो है क्या? वो हीरो है, हीरो ही है। हरी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। तू है कौन बे? ये है कौन जो इतने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है? हमें क्या पता, आपके साथ आया था तो हमें लगा आपके पहचान का होगा। मेरे पहचान का कौन है बे तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं? यहाँ किस लिए आया है? साफ सुन क्या? ए! हरी और शैलू को एक करने के लिए आया हूँ। हरी और शैलू को एक करने आए? तुझे लगा मैं दो प्रेमियों को बिछड़ने दूंगा और तू शैलू से शादी करेगा? माय फुट। पापा जी, ये सब क्या है? अंकल प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हरी एकदम अच्छा लड़का है और शैलू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अंकल चल। अंकल प्लीज, तुझे मैं देखता हूं। अंकल निकल। उसे उसी की भाषा में समझा दिया, आगे से वो कभी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चल भटक। वो जो गुंडा यहां आया था उसने तेरी सारी पोल खोल दी है। ना तू घर वाला है ना परिवार का कोई खास, फिर भी ना जाने कितने दिनों से यहां पड़ा हुआ है। ये 10 दिन से आपके घर में कुंडली मार के बैठा है। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी पापा जी। अंकल ये सच है कि मैं शैलू से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया। तेरी झूठी कहानियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, चल निकल। आंटी आप तो मुझे जानती हैं, आप तो समझ। हाँ समझ गए। अंकल जब आप सब जानते हैं तो मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आपकी बेटी शैलू। चले जाओ हरी। शैलू तुम मुझे जरा बोलने दोगी? शैलू भी सुना नहीं तुमने? मैं फिर से नहीं कहूंगी, जाओ यहां से प्लीज। शैलू चाहे जैसी भी हो चलेगा, शादी तोड़ के आपकी रही से इज्जत नहीं उछालूंगा, इसे मेरा एहसान समझिए। कल सुबह 7 बजे शादी का शुभ मुहूर्त है, आ जाइएगा। आप
खुद आ गए, मेरा बैग नहीं ला सकते थे? कहा था ना घर से निकाल देंगे। न जाने कैसे संभाल के रखा था, सही टाइम पर एंट्री मारी और पूरा का पूरा बैंड बजा दिया तुमने। किसने कहा था यहाँ आने को? तुम जैसे गुंडे बस लोगों को अलग कर सकते हो, साथ नहीं ला सकते। मैं इतना सीरियसली बकबक कर रहा हूं और तुम वहां पे हंस रहे हो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। इसमें मेरी क्या गलती है? और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप ये मत समझना कि मैं ये शादी तोड़कर हरी से शादी करना चाहती हूँ। आपने हरी को बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हरी से कितना प्यार करती हूँ। हरी ये नहीं जानता है, लेकिन आप ये जाने ये जरूरी है। मैं बचपन से ही आपके साथ रहने को तरसती रही हूँ, लेकिन आज हरी का साथ चाहती हूँ। उसकी वजह से मैं मुस्कुराई, खुश रहने लगी। उसी की वजह से मैंने प्यार, गुस्सा, दर्द महसूस किया। उसी से मैंने जीने का मतलब जाना। इतना ही नहीं, आज जो मैं आपके साथ बात करने की हिम्मत जुटा पाई, वो भी उसकी वजह से। उसके बिना जीना मेरे लिए मरने जैसा है पापा। मुझे क्या चाहिए मैं नहीं बता पाती, ये मेरी कमजोरी है। वो मेरे बिना कहे ही सब समझ जाता है, जाने कैसे। ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मुझे मुझसे ज्यादा अच्छे से समझता है, या फिर ऐसे के साथ जिसके साथ मुझे हमेशा एडजस्ट करना होगा। समझ नहीं पा रही मैं। हरी ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं कि अगर उसके लिए जान भी दे दूं तो भी कम होगा। उसके बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। सुना था प्यार में किसी को बुला पाना मुश्किल होता है, पर आज मुझे पता चला कि वो एहसास होता क्या है। वो हर वक्त मेरे जहन में रहता है, क्योंकि मुझे हर वक्त उसमें आप दिखते हैं पापा। अगर उसे सिर्फ प्यार करती तो शायद छोड़ देती, पर मुझे उसकी आदत हो गई है। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। समझ गया पापा, फैमिली का मतलब है मुंबई का साफ सुथरा बीच। सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है और साफ साफ सुनाई भी देता है। वो मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा।
मुझसे कितना प्यार करती है ये मैंने तब जाना जब वो तुमसे प्यार करने लगी। पहली बार इसने मुझसे बात की, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताया कि वो क्या चाहती है तुम्हें। मैं उसकी इच्छा को कैसे टाल देता। इसने मुझसे कहा कि इसने तुम में मुझे देखा है। एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसका दामाद उसकी बेटी को उससे ज्यादा चाहे। रुको, मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मुझे छोड़ के तुम अकेले ही जा रहे थे? एक बात बताओ, तुम्हें मैं शक्ल से क्या लगता हूँ? तुम्हें देखते ही तुमसे कनेक्शन जुड़ गया, ऐसा लगा जैसे तुम दुनिया में मेरे लिए बनी हो। अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हें इंप्रेस करने में लग गया। तुम्हें इंप्रेस किया, तुम्हें हंसाया, तब तक इंतजार किया जब तक श्योर नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने क्या कहा? सॉरी हरी, आई लव यू बट आई एम नॉट इन लव विद यू। तुमने ऐसी बात कही जो दुनिया में किसी के भेजे में नहीं घुसती और उसके बाद तुम वहां से चली गई बिना सोचे समझे और मैं दाढ़ी बढ़ाकर यहां वहां पागलों की तरह घूमता रहा। फिर पता चला तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर चला आया। मेरे दिमाग में बात घुसी, हमारे प्यार को कामयाब बनाने के लिए तुम्हारे पापा को करीब लाना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुम्हारे शादी की शॉपिंग की, संगीत अरेंज किया, शूटिंग की, ऐसे लोगों से लड़ा जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। एक मिनट के लिए तो मैं ऐसे डाउट में पड़ गया कि मैं यहां आया ही क्यों, तुमसे शादी करने या तुम्हारी शादी करवाने के लिए। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था और मैं आगे बढ़ता रहा। आखिर तुम दोनों को मैं पास ले ही आया। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आता ही नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं चुपचाप वापस लौट जाऊंगा? प्यार मर जाए तो भी जिंदा कर सकते हैं। प्यार यानी त्याग। मैं कोई आंसू बहाने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें लगा मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर उदास मैसेजेस डालने वाला कोई देवदास हूँ? बहुत अच्छा इंसान हूँ अंकल, पर कभी कभी मामला सीरियस हो जाता है तो दिमाग उल्टा चलाना पड़ता है। फोन अंकल। भाई साहब, अमर सुबह से कहीं नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया है, उसका फोन भी बंद है।